क्या आपको बताया रहस्यमयी कटार के बारे में, जो कि धरती के बाहर का है। क्या आपको बताया बटन का आविष्कार किस लिए किया गया था, क्या आपको पता है बोटल मैसेज किस लिए पहली बार इस्तेमाल में लाए गए हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है लॉजिकल वर्ल्ड में। आज मैं कुछ ऐसे फैक्टों के बारे में बात करूंगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब मारो और वीडियो को अंत तक देखना, आप फैक्टिफाइड हो जाओगे। सो लेट गेट टू द वीडियो। फैक्ट नंबर 25, बटनों का आविष्कार कपड़ों में इस्तेमाल करने के लिए नहीं किया गया था, 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में किया गया था शेल से, वो बस सजाने के लिए था, सो कुछ काम नहीं था। फैक्ट नंबर 24, आप शायद जानते होंगे पटाखों का आविष्कार चाइना में हुआ था, हान डायनेस्टी में। उसका आविष्कार मनोरंजन के लिए नहीं किया गया था, शैतानी ताकतों को भगाने के लिए किया गया था भयानक आवाज से। फैक्ट नंबर 23, अगर आपको लगता है किम जोंग उन पूरा पागल है तो वो खुद ही पागल नहीं है, उसके परिवार भी उल्टी हरकतें कर देते थे। किम जोंग उन के जो पिता थे किम जोंग इल ने अपने देश से हंगर हटाने की सोची। उसने कुत्ते जितने बड़े खरगोशों की ब्रीडिंग करवाने की सोची, लेकिन उसमें सफल ना हो सका। वो 12 ब्रीडर रैबिट को वो खा गए बर्थडे पार्टी पे 2007 में। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है जाइंट स्क्विड जो होती है उसकी आंखें दुनिया में सबसे बड़ी होती हैं। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है स्टीवर्डेसिस नाम का एक वर्ड होता है, अगर हम जेन्युइन टाइपिंग करें तो लेफ्ट हैंड से तो बस यही अक्षर बन सकता है हाथ का इस्तेमाल करके। पढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 20, आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि घड़ी में टाइम हो रहा होता है 10:10, ज्यादातर एडो में 10:10 ही होता है, ध्यान से देखना। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है धरती पर सबसे अकेले जीव है वेल, जो अपने साथी को 20 साल तक बुलाती रहती है। रिसर्चरों के मुताबिक वेल 20 साल से ज़्यादा नहीं बुलाती नॉर्मल केसों में। ये अनजान वेल अकेली इसलिए है क्योंकि ये जिस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती है, उस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कोई नहीं करता नॉर्थ पैसिफिक में और उसके आगे, इसलिए उसको आज तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है अमेरिका के एक वक्त के प्रेसिडेंट जॉन क्विंसी एडम्स जो थे, उन्होंने एक प्लान अप्रूव करा था जिसके अंदर 100 आदमियों को आर्कटिक में भेजना था ताकि वो वहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा खोद सके जो कि धरती के सेंटर तक पहुँच जाए, ताकि वो मिल सके सीक्रेट सिविलाइजेशन के लोगों से। उन्हें में ही कितना अजीब लगता है जो उसके अंदर रहते हैं। ये प्लान प्रपोज किया गया था आर्मी ऑफिसर द्वारा, जिसका नाम था जॉन क्लिव्स साइमंस जूनियर, जिनको ये लगता था कि धरती बीच में से खोखली है और उनके साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहते थे जो धरती की कोर में रहते हैं। जैसे ही क्विंसी ने इसको अप्रूव्ड करा, वैसे ही एंड्रयू जैक्सन ने इस पर रोक लगा दी इसकी फंडिंग को, धरती के मध्य तक के सफर को, और ये प्रोजेक्ट वहीं बंद हो गया। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है चूहे जो होते हैं बॉल पॉइंट पेन जितने होल में से भी आसानी से निकल जाते हैं, ये छोटे शैतान चूहे। फैक्ट नंबर 16, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी बॉडी कितना हीट प्रोड्यूस करती है 30 मिनट में? ये फैक्ट सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हमारी बॉडी 30 मिनट में इतना हीट प्रोड्यूस करती है जिससे 1 गैलन पानी गर्म हो सकता है, यानी कि 3.7 लीटर। फैक्ट नंबर 15, इमेजिन करो समय ही पैसा है और हर सेकंड का मतलब $1 है, बिल गेट्स उससे भी ज़्यादा अमीर है। अगर आप हर सेकंड $1 भी कमाओगे तो भी बिल गेट जैसा पैसा करने में आपको 2511 साल लग जाएंगे।
आप समझ सकते हो उनके पास कितना पैसा हो। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है हम सोते हुए चीख क्यों नहीं सकते? क्योंकि ब्रेन रिफ्लेक्स को रोक देता है उस टाइम के लिए जब हम सो रहे होते हैं, इसीलिए कोई सोते हुए उठकर चीख नहीं मारता। फैक्ट नंबर 13, डॉल्फिन ना सिर्फ एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं बल्कि अलग तरीके से पुकारती हैं एक दूसरे को। पता नहीं वो इंसानों को क्या बुलाती हो। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है लगभग 1600 लोग हर साल न्यूयॉर्क में ऐसे ही पिट जाते हैं लड़ाइयों में। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है लॉस एंजलिस जो शहर है उसके अंदर लोगों से ज़्यादा तो कार ही हैं, मतलब उस जगह के लोग कारों के पीछे पागल हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 10, को पता है फ्लाइंग के डर को एवियोफोबिया कहते हैं, ये आप में से भी बहुत लोगों को होगा और ये बहुत लोगों पे अपना प्रभाव डालता है। कुछ लोग एरोप्लेन में इस डर से नहीं बैठते कि क्रैश ना हो जाए, पर ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, ये एक रेयर इंसिडेंट होता है, ये हो भी जाए तो उतना नुकसान नहीं होता। 1983 से 2000 तक जितने भी एरोप्लेन क्रैश हुए हैं उसमें से 96% लोगों को कुछ नहीं हुआ था। ये सच में एक सुरक्षित जरिया है सफ़र करने का। फैक्ट नंबर 9, ब्लू व्हेल जो है वो धरती पे आज तक के सबसे बड़े क्रिएचर हैं। बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, पूरी तरीके से विकसित व्हेल सबसे बड़े डायनासोर से भी दुगनी बड़ी है। ब्लू व्हेल का हार्ट एक छोटी कार जितना बड़ा होता है, उसके ब्लड वेसल इतने बड़े होते हैं कि कोई इंसान उसके अंदर स्विमिंग कर सके। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो 90% पॉपुलेशन होल्ड करता है धरती का। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है जब हम एरोप्लेन से सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारा सेंस ऑफ टेस्ट 50-20% घट जाता है, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से एरोप्लेन का खाना कार्डबोर्ड जैसा लगता है, तभी आप एरोप्लेन के खाने से कन्विंस नहीं होते। फैक्ट नंबर 6, F-35 जो एरोप्लेन है वो सबसे महंगा आर्मी का प्रोजेक्ट है। अगर हम हिसाब लगाएं तो उसका जब पे वो कंप्लीट होगा तो उसकी कीमत $1.4 trillion होगी। उसके अंदर इंक्लूड है उनका हेलमेट, हर हेलमेट $4 lakh का है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कोगर नाम का एक जानवर है जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, को आप माउंटेन लोयन, पुमा, कैटामाउंट और दूसरे 40 इंग्लिश, 18 साउथ अमेरिकन और 25 नॉर्थ अमेरिकन नाम है। फैक्ट नंबर 4, ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है उसके अंदर 150 million से ज़्यादा सामान भर रखे हैं, वो नंबर बढ़ रहा है हर साल, उसके अंदर 3 million का इजाफा हो रहा है। उसका मतलब है लाइब्रेरी के अंदर 12 किलोमीटर की जगह चाहिए हर साल ये सब चीज़ें रखने के लिए। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है जितने भी पीकॉक होते हैं वो सारे मेल होते हैं, एक्चुअली में उनको पी फॉल कहते हैं, फीमेल को पी हैंस। फैक्ट नंबर 2, मैसेजेस इन बोटल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत से फेरी टेलों में भी दिखाया गया है, असल में वो रोमांटिक चीज़ों के लिए नहीं था। 1310 BC में एक ग्रीक फिलोसोफर थे थियोफेरेस्टस, इन्होंने मेडिटेरियन सी में फेंका था देखने के लिए वाटर करंट्स का फ्लो। फैक्ट नंबर 1, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब किंग टुट्स के किले को खोजा गया, अंदर से एक धारदार कटार मिला, चारों सालों से उसके अंदर धार बरकरार थी। धारदार कटार होना कोई अलग बात नहीं है, लेकिन की उत्पत्ति रहस्यमय है। जब साइंटिस्ट ने इस धातु को जांचा तो पता लगा कि ये मीटियोरॉइड से बना था। एंशियंट इजिप्शियन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए थी और यार बना सके मीटियोरॉइड से, या तो ये दूसरे किसी एडवांस सिविलाइजेशन से आया है
और ये कुछ लोगों को लगता है कि एलियन छोड़ गए हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।